हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो दोस्तों, अगर आप भी एयरफोर्स का पेपर देने वाले हो, जो कि ऑफलाइन पेपर अगर आपने बाय पोस्ट भरा है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के द्वारा, जिसमें अगर आपने भरा है स्टोर सुपरिटेंडेंट के लिए, या फिर आपने भरा है स्टोर कीपर के लिए, या स्टोर रिलेटेड किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हमारे इस सीरीज़ का पहला वीडियो है, क्योंकि मैंने खुद भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है। दैट्स वाई मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे भी हेल्प हो और जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम देना है उन्हें भी हेल्प हो। तो एक ये मेरे पास बुक है, जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। उसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे पेज नंबर 3 out of 225। तो पिछले दो पेजों में डिस्क्रिप्शंस हैं, समथिंग इन्फॉर्मेशन लाइक, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। 225 पेज का ये बुक है, जिसमें 17 कंटेंट हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट फर्स्ट नंबर दिख रहा है, सेकेंड नंबर दिख रहा है, इस तरह के आपको 17 टॉपिक देखने को मिलेंगे। लेकिन हम लोग को अपने एग्ज़ाम्स के लिए 17 टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ 5 से 6 टॉपिक अपने को पढ़ना है, जो कि क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको एक बार दिखा दूँ। पहला तो आपका स्टोर रिलेटेड है, तो आपको स्टोर मैनेजमेंट पढ़ना होगा। स्टोर मैनेजमेंट में आपको ये सब टॉपिक्स, इस एक टॉपिक में इतने सारे सब टॉपिक हैं, ये आपको पढ़ना होगा। कोडिफिकेशन पढ़ना होगा, स्टोर अकाउंटिंग पढ़ना होगा। फिर आपको इम्पॉर्टेंट जो होगा स्टोर कीपिंग से आ जाता है, स्टोर कीपिंग आपको मस्ट पढ़ना है। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर्स आ गया आपको ये, एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्वाइट आ सकता है सप्लीमेंट। उसके बाद वेयर हाउसिंग एंड 16 बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड DBMS है ये अपने को ज़रूरत नहीं है। फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी अपने को ज़रूरत नहीं है। तो अपने को जो ज़रूरत है वो 5-6 टॉपिक ही आता है। प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर हो गया, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, स्टोर कीपिंग, इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो अपने को रीड करने हैं। तो आज जो हमारा वीडियो में डिस्कस होगा वो एक टॉपिक कम्प्लीटली डिस्कस्ड हो जाएगा, वो आपका रहेगा स्टोर मैनेजमेंट। इस टॉपिक को हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि अगर बहुत लोग के पास इसका क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, हालांकि मैंने भी बहुत ढूंढा, मुझे भी कहीं से क्वेश्चन इसका अवेलेबल नहीं हो सका। आफ्टर दैट मैंने कहीं से सर्च करके इस बुक का लिया, जो कि ऑफलाइन आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, ऑनलाइन आपको परचेस करना पड़ता है, जो कि आपको फ़ोन पे या किसी तरह पढ़ना होगा। तो मुझे फ़ोन में पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ, जिससे कि आगे आने वाले स्टूडेंट्स को भी आसानी हो जाएगी और मुझे खुद को भी आसानी हो जाएगी। तो इस पर डे आपको एक टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा, जिससे कि आपको आज ज़्यादा नहीं 6-7 वीडियो हो जाएंगे। तो 6-7 वीडियो अगर आप पढ़ लेते हो तो 50 क्वेश्चंस आते हैं ट्रेड से, मतलब पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली स्टोर से होंगे, तो वो वहाँ से आप कर सकते हो। बाकी 50 में जनरल क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, आज के टॉपिक को। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्टली आपको देखने को मिल रहा है स्टोर्स मैनेजमेंट। स्टोर मैनेजमेंट इसका मतलब क्या हुआ, स्टोर को किस तरह से मैनेज किया जाता है। मतलब मैनेजमेंट ऑफ स्टोर इज़ लाइक समथिंग, कि अगर हमारे पास कुछ स्टोर्स हैं, हमारे पास अवेलेबल हैं, हमको उनको मैनेज किस तरह से करना होता है। तो ये आप इस कंटेंट में आपको ये सीखने को मिलेगा, और आप अपने तरीके से फिर यहाँ फाइंड कर सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ये थ्योरी बेस्ड है, यहाँ पे आपको कोई MCQ नहीं मिलेगा। बट अगर आप इस थ्योरी को ध्यान से पढ़ लेते हो, आपको वो खुद ही माइंड में आ जाएगा कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आपको एक नंबर का होता है, MCQ ही रहेगा। मोस्टली फुल फॉर्म पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, 17 टॉपिक से उसका बना दूंगा, क्योंकि MCQ कहीं से भी आ सकते हैं फुल फॉर्म के। तो अगर आप शुरू करते हैं हम यहाँ से, स्टोर प्ले अ वाइटल रोल इन ऑपरेशन ऑफ कंपनी, इट इज़ इन डायरेक्ट टच विद द यूजर डिपार्टमेंट इन द डे टू डे एक्टिविटीज़। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस सर्व बाय द स्टोर्स इज़ टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड सर्विस टू मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। तो यहाँ पे क्या किया गया, स्टोर जो है एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी के ऑपरेशन में। ये डायरेक्ट टच होता है यूज़र डिपार्टमेंट में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो जाता है कि सर्व्ड बाय द स्टोर इज़ प्रोवाइडेड अनइंटरप्टेड सर्विस, ये बिना किसी रुकावट के सर्विस प्रोवाइड कर देता है किसको, मैन्युफैक्चरिंग डिविजन्स को। फर्दर स्टोर्स आर ऑफन इक्वेटेड डायरेक्टली विथ मनी, एज मनी इज लॉक्ड अप इनटू स्टोर जो है वो आपका डायरेक्टली रिलेटेड कहाँ से हो जाता है, पैसों से, एज द मनी इज लॉक्ड अप इनटू स्टोर्स।
अगला लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान देंगे। फिनिश पार्ट्स और प्रोडक्ट रेडी फॉर शिपमेंट एंड सेल आर कॉल्ड स्टॉक। जो भी होता है फिनिश पार्ट प्रोडक्ट का, जो भी फिनिश्ड पार्ट हो चुका होता है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट जब रेडी हो गया होता है शिपमेंट के लिए या फिर सेल के लिए, तो उसे हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है। एंड दे आर सेपरेटली स्टोर्ड इन अ प्लेस, वो किसी भी एक स्थाई जगह पे रखा जाता है, उस प्लेस को हम स्टॉक रूम कहते हैं, ठीक है, स्टॉक रूम। ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मटेरियल नीड अ सेपरेट प्लेस, हर एक तरह के अलग अलग मटेरियल को अलग अलग जगह चाहिए होता है। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कहीं पर, किसी किसी चीज़ को ठंडी जगह चाहिए होती है, किसी चीज़ को गर्म, किसी को एवरेज, किसी को मॉडरेट चाहिए होती है, डिग्रीज वाइज, टेम्परेचर वाइज। इस तरह से यहाँ पे कहने का मतलब है, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मटेरियल नीड अ सेपरेट प्लेस, बिन और कंटेनर एंड अ रूम टू कीप इट, एंड द टाइप ऑफ स्टोर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल। टाइप ऑफ स्टोर डिपेंड करता है मटेरियल पे, किस तरह का मटेरियल है वो। द पोजिशन ऑफ स्टोर इज यूजली लोकेटेड नियर द प्रोडक्शन फैसिलिटी एज इंडिकेटेड इन फिगर वन। अगर आगे आपको एक फिगर नज़र आएगा, इसका कहने का ये अर्थ है कि जो पोजीशन होता है स्टोर का, वो यूजुअली लोकेटेड होता है, मतलब फैसिलिटी जहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटी होता है उसी के आसपास में आपको स्टोर मिल जाएगा। मतलब अगर आपका आपने यहाँ कुछ सामान स्टोर कर रखा है, यहाँ आपने कुछ सामान स्टोर कर रखा है, तो आपका जो प्रोडक्शन फैसिलिटी होगा वो इसके नज़दीकी दायरे में होना चाहिए, ठीक है, नज़दीकी दायरे में होना चाहिए। वो देखिए आगे आगे मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। अगर ये आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पे आपका इनपुट होता है, यहाँ आपका आउटपुट हो रहा है। तो इनपुट में आपका रॉ मटेरियल आया, फिर यहाँ पे फैसिलिटी आ गया, और यहाँ पे स्टोर है। तो यहाँ से जो रॉ मटेरियल तैयार हो गया वो कुछ डायरेक्ट फैसिलिटी में चला गया आउटपुट के लिए, और कुछ जो बच गया वो आपको स्टोर में आ गया। तो ये देखो आपको स्टोर और फैसिलिटी के बीच में कितना डिफरेंस है, बहुत नज़दीकी होता है। अगर यहाँ पे कुछ ख़त्म हो जाता है तो स्टोर से डायरेक्टली यहाँ पे भेज सकते हैं। फिर यहाँ से ये पार्ट करता है, अगेन सेम प्रोसेस, यहाँ से कुछ मतलब स्टेप वाइज में रेडी होते हैं सामान, वो तो आप भी जानते हैं। तो यहाँ से जो रेडी हो गया वो अगले स्टेप पे पहुँचा, अगेन वो कुछ फैसिलिटीज़ में एंड कुछ स्टोर्स में। फिर यहाँ से जब ये निकल जाएगा और ये खाली हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे आएगा आपको, फिर यहाँ पे फाइनली कंपोनेंट रेडी होकर निकलता है, जो कि आपको कुछ फैसिलिटीज़ में रहता है और कुछ स्टोर में, और फिर फैसिलिटी से डायरेक्टली आउटपुट होता है। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में ये प्रोसेस है। आपको कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि आपका जो भी फैसिलिटी होता है, प्रोडक्शन फैसिलिटी, उसके आसपास में ही स्टोरेज होता है, ठीक है, कहीं ज़्यादा दूर में नहीं होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपको देखने को मिलेगा फंक्शन ऑफ स्टोर्स, स्टोर्स के कुछ फंक्शंस। फंक्शन ऑफ स्टोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, नीचे कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आपको स्टोर्स के फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे। टू रिसीव रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड अदर आइटम्स एंड अकाउंट फॉर देम। इसका फंक्शंस में एक तरह से आप देख सकते हो, रॉ मटेरियल को रिसीव करना है, कंपोनेंट को रिसीव करना है, किसी सामान को रिसीव करना है और उसका अकाउंट्स रखना है, ठीक है, कि हमने कितने सामान को रिसीव किया, कहाँ से कितने सामान आए, किस तरह के सामान आए, अलग अलग तरह से उसका अकाउंट रखना है। सेकेंडली, टू इंस्पेक्ट एंड चेक द मटेरियल आफ्टर रिसिप्ट एंड बिफोर स्टोरिंग इट, आपको चेक करना होता है। इंस्पेक्ट मतलब आपको इंस्पेक्शन शब्द आपने सुना होगा, इंस्पेक्ट करना होता है मटेरियल सही है कि नहीं आफ्टर रिसिप्ट। आपने अगर रिसिप्ट ले लिया तो पहले आप उसको चेक कर लो बढ़िया से कि मटेरियल रिसिप्ट अगर आपके पास आया तो उसमें जो डिनोशन है उसके अनुसार मटेरियल है नहीं है। दूसरी, बिफोर स्टोरिंग इट, पहले तो आपको रिसिप्ट के बाद चेक करना है, और उसको मान लो अभी आपने एक स्टोरेज आपके पास आया किसी भी गड्डी से आई, तो आपने उसको चेक किया तो आपको उसको कहीं को स्टोर करना होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, हर एक सामान का, हर एक मटेरियल के अनुसार अलग अलग स्टोर होता है। तो आपको उसको स्टोर करने से पहले, मतलब आपको उसको जगह धराने से पहले एक बार प्योरली चेक कर लेना है कि ऑल राइट, समथिंग रॉन्ग नहीं होना चाहिए। मतलब यही आपको मेन ध्यान रखना है, अकाउंट्स फॉर देम, अकाउंट्स आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। अगला पॉइंट होगा आपका, टू प्रोवाइड एडुकेट एंड प्रॉपर स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द वेरियस आइटम। हर एक तरह के सामान को एक प्रॉपर स्टोरेज प्रोवाइड कराना और प्रिजर्वेशन होना चाहिए, मतलब देख दिखाओ, रख रखाव क्लियर होना चाहिए। टू मीट द डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट बाई प्रॉपर इश्यू एंड अकाउंट फॉर द कंजप्शन। डिमांड्स जो होते हैं कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट से, वो प्रॉपर इशू के साथ होने चाहिए। अगर उसमें किसी तरह की खराबी है या फिर कुछ अलग है तो उसका भी आप डिमांड कर सकते हो इन ए प्रॉपर वे, अकाउंट फॉर द कंजप्शंस।
टू मिनिमाइज ऑब्सोलेंस सरप्लस एंड स्कार थ्रू प्रॉपर कोडिफिकेशन प्रिजर्वेशन एंड हैंडलिंग. कोडिफिकेशन अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद हम वहाँ कर लेंगे. टू मिनिमाइज ऑब्सोलेंस सरप्लस एंड स्कार थ्रू प्रॉपर कोडिफिकेशन प्रिजर्वेशन एंड हैंडलिंग, मतलब इन तीनों के तहत ही आपको काम करना है. मतलब आपको जो भी काम करना है वो एक प्रिजर्व मैनर में करना है, स्टेप बाई स्टेप. ये नहीं कि आप यहाँ सामान आए वहाँ रख दो, वहाँ सामान आए वहाँ. तो क्वेश्चन आपको इन्हीं सब के तौर पर आएंगे. यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ जाता है कि किस तीन तौर पे आपको ये करना होता है, तो कोडिफिकेशन, प्रिजर्वेशन और हैंडलिंग. टू हाईलाइट स्टोक एमिकुलेशन डिस्पेंसरीज एंड एबनॉर्मल कंजप्शन एंड इफेक्ट कंट्रोल मेजर्स. आपको हाईलाइट करना होता है स्टोक एक्यूमुलेशन, फिर डिस्क्रिपेंसीज और एबनॉर्मल कंजप्शन इफेक्ट कंट्रोल मेजर के लिए. टू इंश्योर गुड हाउस कीपिंग सो दैट मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल प्रिजर्वेशन, स्टॉकिंग, रिसिप्ट एंड इशू कैन बी डन एडिक्वेटली. आपको गुड हाउस कीपिंग करना, मतलब हाउस कीपिंग करने का मतलब क्या हो जाता है, जो हमारी माँ होती हैं वो हमारी हाउस कीपर होती हैं, हाउस मेकर होती हैं, उस तरह से आपको स्टोर्स का भी ध्यान रखना है कि वो सही से, मतलब इस मैनर्ड वे में आपको वहाँ रखा गया होगा. कभी किसी सामान की ज़रूरत पड़े, कहीं किसी और भेजना है या कहीं से आया है, तो आपको एक जगह याद होनी चाहिए कि हम ये सामान वहाँ रखना है, ये सामान वहाँ रखना है. तो उस तरीके से क्या होता है कि आपको मटेरियल प्रिजर्वेशन, मतलब उसका बचाव भी हो जाता है, सामान ठीक रहता है. स्टॉकिंग करने में आसान होता है, मतलब स्टॉक किसको कहते हैं, कोई भी सामान जो रॉ मटेरियल हमारा तैयार हो रखा है सेल के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए, तो वो स्टॉक हो जाता है. रिसिप्ट करने में आसानी होगा, अगर आप चार तरह के सामान को एक जगह मिला के रख देते हैं तो आपको रिसिप्ट करने में परेशानी होगी. चार सामान अगर चार अलग अलग जगह पे मतलब अच्छे से रखा गया है तो रिसिप्ट को तैयार करने में आसानी होगी. एंड इश्यूज, जो उसमें दिक्कतें आएंगी वो भी सारे ही सारे विघ्न भर तरीके से हो जाएंगे. सब कुछ आसानी से हो जाएगा अगर आप वेल मैनर्ड तरीके से करोगे. टू मेंटेन द मटेरियल इफिशेंटली, अवॉइड वेस्टेज एंड थेफ्ट एक्सेट्रा. आपको मटेरियल्स मतलब जिस अमाउंट में चाहिए, जिस अमाउंट में मंगाना है या जिस अमाउंट में आपको भेजना है, उसका आपको खास ध्यान रखना होगा. वेस्टेज अवॉइड करना है, ये नहीं कि इसमें थोड़ा सा दिक्कत है तो इसको पूरा ही बर्बाद कर दिए, इस तरह से नहीं करना है. थेफ्ट्स मतलब थेफ्ट्स इन द सेंस कि कहीं से मतलब चोरी या वगैरह, इन सब का ध्यान रखना है. टू असिस्ट इन वेरिफिकेशन एंड प्रोवाइड सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव परचेस, ठीक है. अगला, टू कीप अप टू डेट रिकॉर्ड फॉर ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग मटेरियल्स टू मैच विद द बैलेंस इन द स्टोर्स. ये सबसे मेन पॉइंट आता है आपका कि सब कुछ हो जाने के बाद आपको जो एक चीज़ खास ध्यान रखना है, अप टू डेट रिकॉर्ड रखना है आपको, जो भी सामान आपके पास आ रहे हैं और जो सामान आपके पास से जा रहे हैं, दोनों के रिकॉर्ड आपको अप टू डेट रखने हैं विथ बैलेंस इन द स्टोर्स. आपके पास कितने बैलेंस हैं स्टोर में, मतलब एक तो आपका बैलेंस ये हो गया, यहाँ पे आपका बैलेंस स्टोर है, ठीक है, और इसमें से कितने सामान बाहर निकल रहे हैं और कितने सामान आ रहे हैं, ठीक, इसमें से कितने सामान आ रहे हैं और कितने सामान बाहर निकल रहे हैं, तो इन दोनों प्रक्रिया के बाद आपके पास कितना बैलेंस ऑलरेडी बच जाता है, इसका आपको खास ध्यान रखना है. अगला जो है हमारा सब टॉपिक वो है स्टोर ऑर्गेनाइजेशन. क्या है? स्टोर ऑर्गेनाइजेशन. इसमें अगर आप देखो, यूजुअली द फॉलोइंग टू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड इन रिलेशन टू स्टोर्स. स्टोर्स से रिलेशन में आपको दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं. यहाँ आप ए देख रहे हो, यहाँ बी देख रहे हो. तो ए में आपका मटेरियल मैनेजर और परचेस मैनेजर है, बी में जनरल प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर. तो यहाँ से आपको होके निकलता है फिर स्टोर मैनेजर या स्टोर कीपर, आप जिसको कह सकते हो स्टोर मैनेजर और स्टोर कीपर. ये दोनों चीज़ आपको दोनों में ही सेम मिलने को मिलेंगे. ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आता है? यहाँ से. तो ये दोनों चीज़ आपको डिफरेंट हैं. आपको जैसा कि ध्यान है, अगर आप स्टोर कीपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है. आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें. मटेरियल मैनेजर, परचेस मैनेजर या फिर जनरल प्रोडक्शन मैनेजर, या उसको कह सकते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर. वहाँ से होके दोनों ही सेक्शन में निकलती है बात, आके फिर आपको स्टोर मैनेजर या फिर स्टोर कीपर आप उसको कह सकते हैं, दोनों ही एक बात है. चलिए देखते हैं आगे क्या है. इन टाइप ए, अगर आप टाइप ए की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन द स्टोर्स इज कंसिडर्ड टू बी मेड मटेरियल्स फंक्शन क्लोजली रिलेटेड टू द रिसिप्ट. आपका जो मटेरियल होता है,
रिसिप्ट के अनुसार पे रिलेटेड होता है। जो भी मटेरियल आपके आएंगे वो रिसिप्ट पे रहता है एंड इज़ क्लब विद द परचेजिंग ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, दिस काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट इज जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन। इस तरह का जो मटेरियल आता है वो फॉलोइंग कंसिडरेशन पे बेसिस। तो आप पहला पॉइंट देखो, एज द एक्टिविटीज ऑफ स्टोर आर मटेरियल ओरिएंटेड इट शुड रिपोर्ट टू अ डिपार्टमेंट हुज प्राइमरी इंटरेस्ट लाई इन द मटेरियल एंड रिलेटेड ऑपरेशंस। मतलब इस तरह के जो स्टोर्स रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं वो मटेरियल ओरिएंटेड होते हैं, इट्स रिपोर्ट टू डिपार्टमेंट हुज प्राइमरी इंटरेस्ट लाए। वो आपको उस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होता है जो कि मटेरियल एंड रिलेटेड ऑपरेशन से रिलेटेड मतलब प्राइमरी इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, सेकंड, फ्रॉम द टोटल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू द रिसीविंग एंड स्टोर एक्टिविटीज शुड बी इंक्लूडेड विद द रेस्ट ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज। This facilitates the coordination among related materials activities from the standpoint of operation. आपका जो total control point of view से जो control होता है total, वो receiving the stored activities पर होता है। अगर आप किसी तरह के store को receive कर रहे हो उसका क्या activities हो रहा है उस पर आपको ध्यान रखना है, including of rest of material activities, जो बचे हुए material activities हैं उस पर भी ध्यान रखते हुए। This facilitates the coordination among related materials activities from the standup point of operation. Further, the interrelationship between store inventory control and purchase function will receive proper attention in the type of organizational arrangement. Further, आप देखो तो interrelationship जो है store inventory control और purchase function के बीच में वो receive करता है proper attention में organization arrangement के तहत। टाइप बी अगर आपको ध्यान होगा तो उसमें देखो आप, ऑर्गेनाइजेशन इज द इशू इज द फेस टू स्टोर कंसिडर्ड टू मोर सिग्निफिकेंट एंड दस इट इज क्लब विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। द आर्ग्यूमेंट फॉर सच एन ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स आर फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट आप अगर ध्यान से देखें, इन ऑर्डर टू रन द प्रोडक्शन ऑपरेशन स्मूथली द प्रोडक्शन मैनेजमेंट मस्ट हैव कंट्रोल ओवर द इमीडिएट मटेरियल सप्लाई फ्रॉम स्टोर्स। मतलब क्या है, इन ऑर्डर टू रन द प्रोडक्शन, अगर आपको प्रोडक्शन रन करने के हिसाब से अगर आप देखोगे स्मूथली अगर आपको प्रोडक्शन रन कराना है तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के पास इमीडिएट कंट्रोल होना चाहिए सप्लाई पे, स्टोर के सप्लाई पे। दिस विल इंश्योर द स्मूथ डिलीवरी ऑफ मटेरियल टू द प्रोडक्शन सेंटर्स एज व्हेन दे रिक्वायर्ड। वो आपको किस चीज़ में मदद करता है कि जब भी आपको किसी से किसी भी स्टोर को या प्रोडक्शन को आपके सेंटर से किसी भी तरह के स्टोर की मतलब रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसको स्मूथली डिलीवरी करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्करेज एनी काइंड ऑफ कोल्यूजन एंड इम्ब्लेसमेंट ऑफ मटेरियल्स द रिसीविंग एंड स्टोरिंग शुड बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम द परचेज डिपार्टमेंट। अगर आप अवॉइड करना चाहते हो डिस्करेज किसी भी तरह के कोल्यूजन एंड इम्प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल्स का तो आपको रिसीविंग एंड स्टोरिंग शुड बी केप्ट सेपरेट। आपको जो जो पहले से स्टोर्ड सामान है उसको तो आप अलग रख लोगे, जो नए स्टॉक आपने रिसीव किए हैं उसको आप अलग रख लोगे। ठीक है, परचेस डिपार्टमेंट के अनुसार द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन रिगार्डिंग स्टॉक कुड बी स्टोर एंड मैनेज द मटेरियल्स show that they were available in good conditions according to the PID to efficiently supply the materials according to production schedules and perform store function at minimum cost. इस पैराग्राफ से आपको ये समझ में आता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन रिगार्डिंग स्टोर मैनेज द मटेरियल शो दैट दे आर अवेलेबल इन गुड कंडीशन। मतलब इस तरह से आपको करना है कि वो जब भी किसी को रिक्वायरमेंट हो तो वो आपको गुड कंडीशंस में अवेलेबल रहे। ठीक है, एफिशिएंटली आप सप्लाई कर सको, रिकॉर्डिंग प्रोडक्शन शेड्यूल्स के हिसाब से कर सको, टू परफॉर्म स्टोर फंक्शन एंड मिनिमम कॉस्ट। तब उस तरीके से अगर आप करते हो तो आपको बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे वो रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। ठीक, इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स The organization will depend on the situation under consideration in addition to the reporting and important consideration in organized design in the centralization and decentralization. अब हम बात करेंगे centralization क्या है और decentralization क्या है। Both the centralized and decentralized organization of store are practiced. दोनों ही तरह के जो स्टोर होते हैं वो आपको प्रैक्टिस में है। The advantage of centralized and decentralized store organization are as follows. अब हम दोनों ही तरह के स्टोर को का एडवांटेज देखेंगे। तो फर्स्टली हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज्ड
स्टोर ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो एडवांटेज हैं किसके, सेंट्रलाइज्ड स्टोर के, यहाँ सेंट्रलाइज्ड स्टोर ऑर्गेनाइजेशन के जो एडवांटेज हैं वो इस तरह से हैं, इफेक्टिव एंड बेटर सुपरविजन एंड कंट्रोल। इसमें आपको बेटर सुपरविजन और कंट्रोल रहता है, रिड्यूस्ड पर्सनल रिक्वायरमेंट दस इन्वॉल्विंग लेस रिलेटेड कॉस्ट। इसमें जो आपका पर्सनल रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत कम होता है। बेटर एंड इफ़िशियंट लेआउट ऑफ स्टोर, इसमें आपको जो लेआउट होता है स्टोर का वो बेटर होता है, इफ़िशियंट होता है। बेटर इन्वेंट्री चेक्स, मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम स्टोर, इसमें जो किसी खास तरह के स्टोर होता है उसका मेंटेनेंस बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। फ्यूअर रिडंडेंट एंड ऑब्सोलेट आइटम। एक लास्ट पॉइंट, प्रोविजंस ऑफ बेटर सिक्योरिटी अरेंजमेंट पॉसिबल। तो आपको जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम के तरह से आपको जो ध्यान रखना है वो आपको फर्स्टली यही आया है, एडवांटेज आपको ये साथ याद रखने हैं उसके, और जो आने वाले अभी मैं बताने वाला हूँ डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर का, इसके भी आपको ध्यान रखने हैं, मतलब ध्यान रखने हैं। वहाँ आप पे पूछ सकता है, चार ऑप्शंस होंगे आपके पास, उसमें आपको पूछेगा इनमें से कौन सा एक एडवांटेज है सेंट्रलाइज्ड स्टोर का, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ इसका फर्स्ट नंबर, रिड्यूस्ड मटेरियल हैंडलिंग एंड एसोसिएटेड वर्क, ठीक है। कन्वीनियंट फॉर एवरी डिपार्टमेंट टू ड्रॉ मटेरियल्स, लेस रिस्क ऑफ लॉस बाई फायर एक्सेट्रा। मतलब इसमें इस तरह के स्टोर्स होते हैं जिसमें अगर आग वाग लग जाए तो बहुत कम नुकसान होता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज स्टोर में जो होता है उसमें अगर आपको रिस्क कम होता है कि अगर आग वाग लग जाए तो सामान बर्बाद होने का खतरा कम है। लेस चांस ऑफ प्रोडक्शन स्टॉपेज ओनिंग टू ईजी एंड प्रमोट अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। इसमें जो मान लो किसी तरह के अपने स्टोर का रिक्वायरमेंट है तो उसमें बहुत तरह की रुकावटें आती हैं, मतलब स्टोर नहीं है अभी, ख़त्म है या इस तरह, तो इस तरह की दिक्कतें इसमें नहीं आती है डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर में। अगला जो अपना सब टॉपिक है वो है स्टोर सिस्टम एंड प्रोसीड्यूर्स। द सिस्टम एंड प्रोसीड्यूर इन स्टोर कैन बी ब्रॉडली स्टडीड अंडर फोर हेड्स। इसमें जो सिस्टम और प्रोसीड्यूर है वो हम मेनली चार हेड में पढ़ेंगे। चार क्या क्या है वो आप देखोगे, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, रिसिप्ट सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम एंड इश्यू सिस्टम। ये हमारे चार तरह के हेड हैं, इन्हीं के बेसिस पे ये जो टॉपिक है इसको पढ़ेंगे। द ओवरऑल सिस्टम ऑफ स्टोर फंक्शन अलॉन्ग विद द मेजर इनपुट आउटपुट डॉक्यूमेंट्स एट ईच स्टेट। Shown in figure 1, a substantial amount of information is required at every stage for checking, controlling and feedback purpose. The store system have been discussed with reference to the physical system as well as the recording or information system. आगे एक फिगर आएगा आपको, उसमें मैं समझाता हूँ। तो ये फिगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ दिख रही है, documents, activity, again documents, ठीक है। यहाँ आप देखो test result, provisional GT notes, स्टोर रिसिप्ट, डॉक्यूमेंट। यहाँ अनलोडिंग, अनपैकेजिंग, इंस्पेक्शन और मेटोरोलॉजिकल टेस्ट, ये चार तरह के तौर पे आपको होके गुजरना पड़ता है स्टोर्स में, रिलेशन में। तो यहाँ पे फिर आपको मटेरियल्स इन ट्रक, वैगन्स एक्सेट्रा, रिपैक्ट और कंट्रोल रिसीविंग सेक्शन, इस तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं। फाइनली जो आपके डॉक्यूमेंट आते हैं वो आइडेंटिफाई द कैरियर, मतलब एक तरह से आपको वो जो मैंने शुरू में आपको बताया कि सब कुछ आपको वेल्ड मैनर्ड तरीके में करना है। सामान लेने के, रिसिप्ट लेने के बाद आपको फुल चेक करना है, उसको स्टोर करने के पहले आपको फुल चेक करना है। आप कहीं सामान भेजने वाले हो तो उसको गाड़ी में लोड करने से पहले आपको चेक करना है। आपको किसी को रिसिप्ट देना है उसके पहले आपको चेक करना है। आप गाड़ी से सामान अनलोड कर रहे हो तब आपको चेक करना है, स्टोर कर रहे हो तब आपको चेक करना है। तो वही सब चीज़ अगर आप ध्यान से इस फिगर को स्टडी करेंगे तो वही सब चीज़ आपको इन सब में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आता है आपका आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। जो चार हेड के हमने बातें की उसमें जो पहला हेड था वो आपका आइडेंटिफिकेशन सिस्टम आता है। इसमें अगर आप देखना चाहो, देखते हैं हम,
द स्टोर मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द डिज़ाइन एंड कंट्रोल ऑफ द सिस्टम यूटिलाइज इन कंडक्टिंग द स्टोर एक्टिविटीज़। ये जो स्टोर मैनेजमेंट है आपका, वो डिज़ाइन और कंट्रोल ऑफ द सिस्टम यूटिलाइज इन कंडक्टिंग द स्टोर एक्टिविटीज़ के तौर पे होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल आर बिंग हैंडल्ड बाय टिपिकल स्टोर्स। बहुत ही बड़े संख्या के स्टोर में, टिपिकल स्टोर पे इसको हैंडल किया जाता है। दस द डेवलपमेंट ऑफ एन अनएम्बिजियस एंड इफिशियंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्फ्रॉन्टिंग अ स्टोर मैनेजर सो एज द फैसिलेट क्लियर इंटरनल कम्युनिकेशन। आप अगर एक स्टोर मैनेजर हैं तो आपके तहत से ये जो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है ये सबसे पहले होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपको इंटरनल कम्युनिकेशन बैठाने में बहुत ही आसानी होती है। तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक स्टोर मैनेजर का, या फिर आपको आप उसे स्टोर कीपर भी कह सकते हो। द फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम इज यूजुअली लेंथी एंड इम्प्रिसाइज़ टू बी टेकन ऑफ पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन डे टू डे ऑपरेशन। डे टू डे ऑपरेशन में ये आइडेंटिफिकेशन का आपको काम होते ही रहता है। मोर ओवर इट कैनॉट बी ऑपरेटेड ऑन मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइसेज। ये मोर ओवर अगर आप देखो तो आइडेंटिफिकेशन का काम ना ही मैकेनिकली होता है और ना ही कंप्यूटराइज होता है। इसे यूज़ ऑफ इंक्रीजिंग एवरी डे ऑटोमेटिंग द क्लियरली ऑपरेशन ऑफ द स्टोर्स। ये डे टू डे आपको करना पड़ता है, एक तरह से आप कह सकते हो कि मैनुअली करना पड़ता है। वन काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्ट कैन बी डन विद द सप्लायर्स पार्ट नंबर, बट ईच सप्लायर हैड गोट इज ओन कोडिफिकेशन सिस्टम एंड इट विल कंबर्सम ऑफ ऑपरेट ऑन। कोडिफिकेशन सिस्टम की यहाँ बात हुई है, यह हमारा अगला टॉपिक है जो कि आपको अगले वीडियो में मिलेगा, तो यहाँ हम इसको बात नहीं करेंगे। दीज नंबर ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। यहाँ अब आइडेंटिफिकेशन के कुछ डिफरेंट पार्ट हैं, मतलब कहने का ये है कि जो सप्लायर होता है उसके तरह से उसका अपना अपना कोडिफिकेशन सिस्टम होता है। मतलब हमारे पास अगर चार सप्लायर हैं, हमारे पास चार तरह के सप्लायर हैं जो हमारे हमको सामान का रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं, तो उन चारों का अपना अपना अलग अलग तरह का कोडिफिकेशन सिस्टम होगा। Thus, the need to develop a proper identification system to coordinate the activities of purchasing, inventory control and store department with possible integration with the operation of design engineering, production and cost accounting can hardly be overemphasized. The use of codification of part can be done in any one of the following ways. आपका जो supplies होता है उसका जो codification का जो part होगा वो नीचे दिए हुए way में किसी एक तरह में हो सकता है। आर्टिबरी अप्रोच, ये जो ए है इसमें आप देखो इन्वेंट्री आइटम्स आर गिवन एन आर्बिट्रेरी नंबर इन सीक्वेंस इन विच दे आर एडिड टू स्टोर्स अकाउंट। क्लियरली ईच आइटम गेट अ डिस्क्रीट नंबर बट देर इज नो सिमेट्रिक रिलेशनशिप ऑफ नंबर असाइन टू रिलेटेड आइटम। हर एक आइटम का एक सिमेट्रिक नंबर होता है, ठीक है, हर एक मतलब ओन मतलब यूनिक नंबर आप कह सकते हो, जैसे आपके पास आधार कार्ड होता है उसी तरह हर एक सामान का एक अलग सा नंबर होता है कोडिंग वाइज। तो उस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, हर एक सामान के नाम के साथ उसका एक कोड जुड़ा होगा जिससे आप उसको एक आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ भाई इस नाम का इस कोड से सामान आया है। द सिम्बलिक अप्रोच, नाम से ही पता चल रहा है द सिम्बलिक अप्रोच, इसमें कुछ किसी तरह का सिम्बल होगा। This is very systematic approach to design the codification system. The code assigned to a different part may be numeric on monomic, alphanumeric, a number system assigned to 6 to 10 digit code to each item. It will develop the classification from border to specific categories. Same बात है, symbolic में आप कह सकते हो कि उसमें एक code assigned होगा जो कि आपका 6 to 10 digit code number होगा। वो हर एक item का हर एक अलग अलग code number होगा जिससे कि आप अलग अलग कैटेगरीज के सामान को आप क्लासिफाई कर सकते हो। दिस इज इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। आगे आपके कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं उसके से हम समझते हैं। जैसे कि हमारे पास द कोड नंबर ऑफ एन आइटम इज, एक किसी आइटम का कोड नंबर है 152 43 25, ठीक है। द एक्सप्लेनेशन इज एज फॉलोज, फर्स्ट डिजिट जो है 1, ये आपका जनरल क्लास दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट 2 डिजिट 52 जेनेरिक क्लास, नेक्स्ट 2 डिजिट 43 है वो सब क्लास, एंड लास्ट 2 डिजिट 25 स्पेसिफिक आइटम नंबर। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, जो आपको मेन चीज़ देखना होगा वो आपको 25 देखना होगा स्पेसिफिक आइटम नंबर, क्योंकि ये ज़्यादा मैटर करता है।
आइटम किस तरह का है, मतलब हर एक मटेरियल अलग अलग तरह के होते हैं, तो वो आपको 25 मस्ट देखना होगा। उसके बाद क्लास कौन सा है, उसके बाद तीन तरह के क्लास हैं, जनरल क्लास, जेनेरिक क्लास और सब क्लास, तो ये आपको क्लास देखना होगा। क्लास वाइज होते हैं, मतलब सामान में कैटेगरीज वाइज होंगे, पहले तो उसमें आइटम होगा, उसका एक कैटेगरी होगा कि हाँ ये किस तरह के कैटेगरी में ये सामान आता है, तो उसका एक कोड होगा आपके पास, उसके बाद स्पेसिफिक आइटम नंबर होगा। दिस कोड इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट देयर आर मैक्सिमम 10 जनरल क्लासेस, 100 जेनेरिक क्लासेस, 100 सब क्लासेस इन ईच जेनेरिक क्लास एंड 100 स्पेसिफिक आइटम इन सब क्लास। इफ इट इज मोर देन इट लिमिट इन देन कैटेगरी, वन मोर डिजिट इज टू बी एडेड फॉर द कैटेगरी। यहाँ आपको देखो मैक्सिमम जो हो सकता है 10 जनरल क्लासेस हो सकते हैं, 100 जेनरिक क्लास, 100 सब क्लास, एंड ईच जेनरिक क्लास में आपको 100 स्पेसिफिक आइटम आ सकते हैं। अगर ये बढ़ता है तो उसमें एक नेक्स्ट डिजिट ऐड कर दिया जा सकता है। जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्ट मे बी डन एज फॉलोज। इस तरह से आप कर सकते हो, द कोड नंबर ऑफ एन आइटम, जो ये आपने देखा फर्स्ट 2 डिजिट ये आपने देखा, तो कोड जो है वो आपका 1 से रॉ मटेरियल, 2 परचेस पार्ट, 3 मैन्युफैक्चर्ड, 4 वर्क इन प्रोग्रेस, 5 स्पेयर, ठीक है। द मोनोमेरिक एंड अल्फामेरिक सिस्टम कंबाइन द न्यूमेरिक एंड अल्फाबेटिक नोटेशन, दिस मेक द विजुअल आइडेंटिफिकेशन ईजर बिकॉज दे आर मोर डिस्क्रिप्टिव एंड ऑफन शॉर्टर। आर से रॉ मटेरियल, बी ए से बार्स, आर एस से राउंड स्टील, और यहाँ से आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ। तो इस तरह से आपका ये आइडेंटिफिकेशन मीटर का सेकेंड नंबर था। एज नंबर ऑफ गुड अल्फाबेटिक सिंबल इज लिमिटेड टू द सिस्टम मे नॉट वर्क विथ लार्जर नंबर ऑफ आइटम। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स अगर हो जाता है तो ये उसके साथ वर्क नहीं करेगा। द यूज़ ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग नंबर, ये भी एक तरह का तरीका है। नंबर इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग एट टाइम्स इज यूज टू एन आइडेंटिफिकेशन नंबर इन द स्टोर्स। दिस हैज़ द एडवांटेज ऑफ बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन एज द नंबर इज यूज बाय द डिपार्टमेंट, बट इट हैज़ द मेजर लिमिटेशन देन इट कैन बी ओनली मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स फॉर बॉट। Our items to a separate system is to devised. Further, it has no sequencing disadvantage of arbitrary system. अगला है हमारा receipt system. The store department receive the store both from outside supplier and internal division, and accordingly there are separate receipt system. जो store department होता है उसे बाहर से भी सामान आता है, मतलब outside भी आता है। Internal जो हमारा डिवीज़न होता है वहाँ से भी सामान आता है। मतलब कहने का क्या हो गया, कुछ कुछ तो ऐसा है कि हमारे जो कुछ हमारा इंटरनल सामान हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो कुछ स्टोर वहाँ से आते हैं, कुछ जो हम नहीं कर रहे हैं बाहर से सामान आ रहे हैं वहाँ से आते हैं। दोनों ही तरह के रिसिप्ट आपके पास होते हैं। सिस्टम ऑफ रिसिप्ट स्टार्ट मच बिफोर द फिजिकल रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल इन द स्टोर। जो सिर्फ सिस्टम स्टार्ट हुआ था रिसिप्ट का वो फिजिकली तैयार हुआ था, मतलब फिजिकली हैंड रिटन आपको तैयार किया जाता था। इट स्टार्ट विद द placement of purchase order by the purchasing department of a copy of which is sent to stores. This is maintained in chronological order so as give an idea at any time about the volume of receipt and help in the planning of receipt, unloading, unpacking and other relative activities. जैसा कि हमने पहले भी बात किया कि रिसिप्ट जो मैटर करता है वो सबसे ज़्यादा रिसिप्ट मैटर करता है। किसी भी सामान आपको आएगा, बिना रिसिप्ट आप उसको रिसीव नहीं कर सकते हो, बिना रिसिप्ट आप उसको अपलोड नहीं अनलोड नहीं कर सकते हो। तो रिसिप्ट आपको जो काम आता है वो अनलोडिंग में, अनपैकिंग में और अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बहुत ही हेल्प होता है। फर्दर द सप्लाइज वाइल डिस्पैचिंग द गुड नॉर्मली सेंड एन एडवाइज नोट टू द स्टोर्स। दिस कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट ऑफ डिस्पैच, कैरियर डिटेल, डिस्क्रिप्शन ऑफ कंसाइनमेंट एंड वैल्यू। मतलब रिसिप्ट में, एक रिसिप्ट में आपको क्या क्या मिल सकता है उसकी जानकारी यहाँ आपको दिया गया, किस डेट पे वो डिस्पैच हुआ, क्या क्या है, समथिंग समथिंग। अनदर डॉक्यूमेंट नोन एज कंसाइनमेंट नोट, यहाँ जो आप देख रहे हो कंसाइनमेंट, इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रांसपोर्ट कैरियर इन द सेंड बाय द स्टोर कंसर्न। द डॉक्यूमेंट हेल्प द स्टोर मैनेजर टू ऑर्गेनाइज एंड प्लान फॉर एक्सपीडियस क्लियरेंस ऑफ मटेरियल, मिनिमाइज कॉस्टली डिमरेजेस। कंसाइनमेंट नोट जो होता है वो ट्रांसपोर्टेड कैरियर से रिलेटेड होता है कि आपके ट्रांसपोर्ट समथिंग, जिस ट्रांसपोर्ट से आपका जो सामान आ रहा है उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ऑन एक्चुअल डिलीवरी द रिसीविंग डिपार्टमेंट अनपैक द गुड
रिसीविंग द चेक्स क्वांटिटी एंड कंडीशन ऑफ गुड यूजिंग वेट ब्रिज मेजरिंग डिवाइसेस टेप्स एक्सेट्रा एंड टॉलेज विद द प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स। आपको वो मिलाना होता है कि सही सारे सामान सही हैं कि नहीं है, मेजरिंग डिवाइस या टेप आपके पास जो भी है, मतलब वेट करने का मशीन है, नापने का मशीन है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसे चेक कर लो सब कुछ सही है कि नहीं। फिर आप उसको प्रीवियस डॉक्यूमेंट से टैली कर लो। आपके पास दो डॉक्यूमेंट आते हैं, एक प्रीवियस आता है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन होता है कि आपके पास ये सामान जा रहा है, एक आपको जब सामान आता है उस टाइम आता है, तो दोनों को आपको मैच कर लेना है, डॉक्यूमेंट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। पैकिंग स्लिप होता है इंसर्ट हर एक कंटेंट में पैकेज के साथ, परचेज ऑर्डर नंबर के साथ, प्रोविजनल गुड इन वार नोट जिसको हम PGI कहते हैं, ये आप ध्यान रखोगे। फुल फॉर्म के तौर पे ये एक नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PGI। प्रोविजनल गुड इन वार नोट मटेरियल रिसीव्ड रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड एज सून एज मटेरियल्स आर क्लियर्ड फ्रॉम द रिसीविंग सेक्शन एंड सेंट फ्रॉम इंस्पेक्शंस। द गिव इंफॉर्मेशन ऑन मटेरियल गुड क्वान्टिटी रिसीव डेट एंड रिसिप्ट कैरियर डिटेल्स सप्लायर डिटेल्स लोकेशन कोड एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल्स। ऑल द आइटम रिसीव्ड आर इंस्पेक्टेड एंड सैम्पल टेस्टेड टू इंश्योर दैट द परचेज ऑर्डर स्पेसिफिकेशन आर मेड। रिजल्ट ऑफ द इंस्पेक्शन आर इंडिकेटेड एज स्पेशल टेस्टिंग रिपोर्ट एंड अ क्लियरेंस रिपोर्ट और रिजेक्शन नोट इज प्रिपेयर्ड बाई सेंट बाई इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट टू परचेज प्रोडक्शन एंड अकाउंटेड डिपार्टमेंट। अगर उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं तो वो जो भी आपने सिस्टम, मतलब क्या कहें, ऑल द आइटम्स रिसीव्ड मतलब आपने जो भी सामान रिसीव किया उसको इंस्पेक्ट किया जाता है, सैंपल टेस्ट किया जाता है श्योर होने के लिए कि परचेज जो हुआ है वो सही है। रिजल्ट ऑफ द इंस्पेक्शन, जो इंस्पेक्शन का रिजल्ट होता है वो आपको क्लियरेंस रिपोर्ट देता है या फिर रिजेक्शन नोट देता है। या तो आपको क्लियरेंस मिल जाएगा कि हाँ भाई सब कुछ सही है, या तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट है दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल गुड्स इन वार्ड। FGI इंडिकेट द क्वांटिटी एक्सेप्टेड विद द क्वांटिटी रिसीव्ड इन द एडिशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय PGI। FGI हेल्प इन प्रिपरेशन शॉर्टेज रिपोर्ट्स क्लेम ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेकिंग अप्रोप्रिएट पेमेंट्स रिकवरीज। मतलब इन सब बातों का मेन ये है कि FGI जो आपका हेल्प करता है वो शॉर्टेज रिपोर्ट में हेल्प करता है, क्लेम डॉक्यूमेंट्स में, मेकिंग अप्रोप्रिएट पेमेंट्स, रिकवरीज इन केस ऑफ शॉर्टेज, इन केस ऑफ मटेरियल रिसीव फ्रॉम द इंटरनल डिवीजन और रिटर्न, द यूजर डिपार्टमेंट ट्रांसफर नोट, रिटर्न्स टू स्टोर डॉक्यूमेंट आर यूज्ड इन सम केसेस, स्टोर डिपार्टमेंट ऑल्सो हैंडल द स्क्रैप्स, यूजुअली स्क्रैप कार्ड आर प्रिपेयर्ड टू इंडिकेट द नेचर एंड वेट ऑफ द स्क्रैप। फिर जो आता है आपका स्टोरेज सिस्टम, अ फिजिकल सिस्टम दिस डिजाइन टू प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इजी लोकेशन, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड स्पीडी इशू फॉर द कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट। द कॉमनली फॉलोड सिस्टम फॉर फिजिकली कंट्रोलिंग स्टोर मटेरियल्स आर क्लोज स्टोर सिस्टम, ओपन स्टोर सिस्टम एंड रैंडम एक्सेस स्टोर सिस्टम। अ सिंगल फॉर्म कैन फॉलो अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन यूज ऑफ मटेरियल। तो बेसिकली आपको इस स्टोरेज सिस्टम के अंदर जो आपको अ फिजिकल सिस्टम है इसमें आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि द डिज़ाइन ऑफ प्रॉपर शॉर्टेज सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईजी लोकेशन, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड स्पीडी इशू ऑफ कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट। जो आपका प्रॉपर शॉर्टेज सिस्टम के लिए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किस किस चीज़ के लिए, तो ये जो होता है आपका एक हो गया ईजी लोकेशन, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मतलब एक लोकेशन होना चाहिए, प्रॉपर आइडेंटिफाई होना चाहिए और स्पीडी इश्यूज टू द कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट, ये बात हो गई। ये कॉमनली फॉलोड होता है आगे तीन चार सिस्टम से जिसमें आपका पहला आता है क्लोज स्टोर सिस्टम, ओपन स्टोर सिस्टम एंड रैंडम एक्सेस स्टोर सिस्टम। ये तीन तरीके से इसे फॉलो किया जाता है। अ सिंगल फॉर्म कैन फॉलो अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड यूज ऑफ मटेरियल्स। ये सब एक ये जो सिस्टम है ये डिपेंड करता है आपको
इनके कॉम्बिनेशन पे, जो कि नेचर आपका होता है किसका, प्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन और यूज़ ऑफ मटेरियल का। नेक्स्ट है हमारा इसी के अंदर सब जो था, यहाँ पे आपने देखा तीन तरह का, क्लोज्ड स्टोरेज सिस्टम, ओपन स्टोरेज सिस्टम एंड लास्ट वन इज रैंडम एक्सेस स्टोर सिस्टम। उसमें हम पहला क्या बात करेंगे, क्लोज स्टोर सिस्टम। तो क्लोज स्टोरेज सिस्टम क्या कहता है, इन सच ए सिस्टम ऑल मटेरियल्स आर फिजिकल स्टोर्ड इन ए क्लोज और कंट्रोल्ड एरिया। इस सिस्टम में सारे तरह के फिजिकल मटेरियल जो हैं वो फिजिकली स्टोर किए जाते हैं किसी एक क्लोज्ड और कंट्रोल्ड एरिया में, मतलब बंद एरिया में, यूजुअली किप्ट इन फिजिकल कंट्रोल बाय लॉकिंग। यूजुअली जो उसको रखा जाता है वो एक, मतलब मैनुअली रखा जाता है उसको लॉक करके, एक रूम है या फिर एक छोटी सी जगह है वहाँ किसी सामान को रखे और फिर उसको लॉक किए। ओनली स्टोर्स पर्सनल एंड परमिटेड टू इंटर द स्टोर एरिया। उसमें उस एरिया में इंटर करने के लिए सबको, मतलब अलाउंस नहीं है, या तो आप स्टोर पर्सनल हो या कोई खास आदमी हो तभी आपको परमिट किया जाएगा उस एरिया में जाने का, किसमें, क्लोज स्टोर सिस्टम के एरिया में। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द एरिया इज परमिसेबल ओनली विद द एकॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑथराइजिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपको किसी भी चीज़ का अंदर जाना है या अंदर से कुछ बाहर लाना है तो आपके पास ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं जाने दिया जाएगा। मैक्सिमम फिजिकल सिक्योरिटी एंड टाइट अकाउंटिंग कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री मटेरियल आर इंश्योर्ड बाय सच ए स्टोरेज सिस्टम। इस तरह के स्टोरेज सिस्टम में बहुत ही खास तरह से टाइट अकाउंटिंग कंट्रोल होता है, साथ ही में इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट इन द सेंस कि उसमें बहुत टाइट ध्यान रखा जाता है इस तरह के स्टोरेज सिस्टम में, मतलब क्लोज स्टोरेज सिस्टम में। नेक्स्ट है ओपन स्टोर सिस्टम्स। इन दिस सिस्टम नो सेपरेट स्टोर रूम एग्जिस्ट। इस तरह के ये जो ओपन स्टोर सिस्टम है इसमें कोई किसी भी तरह का सेपरेट रूम नहीं होता है स्टोरिंग के लिए। द मटेरियल इज स्टोर एज क्लोज टू द पॉइंट ऑफ यूज एज इन फिजिकली पॉसिबली। जहाँ भी उसका यूज होना रहता है एज पॉसिबल उसके नज़दीक ही उस सामान को रखा जाता है। सच ए सिस्टम फाइंड एप्लीकेबिलिटी इन हाईली रिपीटेटिव मास प्रोडक्शन टाइप ऑफ सिस्टम एग्जिबिटिंग द कंटिन्यूअस एंड प्रिडिक्टेबल डिमांड। एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे ऑटोमोबाइल असेंबली प्लांट। इस तरह का जो सिस्टम होता है जहाँ आप मान लो कि ऑटोमोबाइल का काम हो रहा है वहाँ पे किसी, वहाँ पे तुरंत तुरंत किसी न किसी पार्ट का ज़रूरत पड़ते रहता है, ठीक है। तो अगर आप उसको किसी बंद जगह पे स्टोर करके रखोगे या फिर बहुत दूर में रखोगे तो काम आपका रुका हुआ रहेगा। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं उसमें जो स्टोर सिस्टम काम आता है वो आता है आपका ओपन स्टोर सिस्टम, ठीक है, ओपन स्टोर सिस्टम, जिसमें कि आपको जहाँ भी काम हो रही है उसके आजू बाजू नज़दीक में ही आपको वो स्टोर अवेलेबल हो रहता है। द स्टोरेज फैसिलिटीज आर अरेंज्ड एट ईच वर्क स्टेशन। हर एक स्टेशन पे स्टोरेज फैसिलिटी आपको अवेलेबल रहता है, अरेंज किया रहता है पर रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, स्पेस के अनुसार और रिक्वायरमेंट के अनुसार। स्टोरेज फैसिलिटीज आर ओपन एंड वर्क हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू इट, नो ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट इज नीडेड। जैसे कि आपने देखा क्लोज स्टोर सिस्टम में आपको एंटर करने के लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट भी है आपको यूजर्स के लिए उसमें ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ओपन स्टोर सिस्टम में ऐसा नहीं है, आपको ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे और स्पेस के अनुसार आपको स्टोर वहाँ अवेलेबल रहता है। दूसरा, अगर आप काम कर रहे हो और वर्कर को किसी चीज़ का ज़रूरत है तो उसको डायरेक्ट एक्सेस रहता है स्टोर से। अगर आपको किसी चीज़ का ज़रूरत आप जाके ले आ सकते हो, आपको किसी भी तरह की ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है इस सिस्टम में, ओपन स्टोर सिस्टम। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ओपन स्टोर सिस्टम इज जस्ट अपोजिट टू क्लोज स्टोर सिस्टम। द ओपन टाइप ऑफ शॉर्टेज सिस्टम एक्सपर्टीज एंड एक्टिविटीज कटिंग डाउन द रिट्राइवल टाइम। सिंस मटेरियल इज यूज रिलेटिवली क्विकली इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू हाई रेट ऑफ डिटरिजेशन और ऑब्सलेंस। दिस सिस्टम प्लेस लिटिल एम्फेसिस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल्स। द मटेरियल यूज इन ओपन सिस्टम शुड नॉट बी ईजिली डैमेज और प्लिफरेज। तो ये सब फिर से इम्पॉर्टेंट बात पिछले पैराग्राफ में हो चुकी है, ये सब बस उसके कुछ अंश है, तो आप इसको पढ़ते चलेंगे साथ में, इससे कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं निकल के आती है।
जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं हिंदी में आपको समझाता चलूंगा, बाकी रीड करके निकल जाऊंगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोर इन द सिस्टम इज टू डिलीवर द मटेरियल टू प्रोडक्शन एरिया एंड द डाइवर्स सेटिस्फैक्ट्री फिजिकल। तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है स्टोर का इस सिस्टम में, आपका ओपन स्टोर सिस्टम में, वो डिलीवर करना होता है मटेरियल को प्रोडक्शन एरिया में, जहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत है, प्रोडक्शन काम चल रहा है, वहाँ पे इसको डिलीवरी करने का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आगे स्टोर अरेंजमेंट विथ प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स। द फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मटेरियल स्टोर्ड इन प्रोडक्शन एरिया रेस्ट विद द प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स। आगे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो आपको प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स के निगरानी में होता है। द पेपर वर्क इज ऑल्सो कंसिडरेबली लेस इन ओपन सिस्टम। पेपर वर्क, जैसा कि आप डॉक्यूमेंट ऑथराइजेशन की यहाँ पर जरूरत होती नहीं है, तो ऑब्वियसली पेपर वर्क यहाँ पर कम होता है कंपेरेटिवली। एज इन प्लेस लेस इम्फेसिस ऑन अकाउंटिंग कंट्रोल, नो परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर केप्ट, द एक्चुअल यूजेस कैन बी डिटरमाइंड बाई फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आइटम्स इन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड। इसमें एक अनुमान तय पर आपको लगाया जाता है, कोई भी लिखित अकाउंट यहाँ पे नहीं रखा जाता है, किसी तरह का रिकॉर्ड यहाँ नहीं रखा जाता है। यहाँ आप चेक कैसे कर सकते हो, शुरू में आपके पास इतना स्टॉक था और यूज़ करने के लिए आपके पास इतने सारे सामान थे, ठीक है, इतने सारे कुछ 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 सामान हैं, तो एंड में आपको बस ये मिलाया जाएगा, एंड में आपको बस ये मिलाया जाएगा कि शुरू में हमारे पास कितने अवेलेबल थे और काम खत्म होने के बाद हमारे पास कितने बच गए हैं, उस हिसाब से कितना यूज हुआ है उसका एक अनुमान लगा लिया जाता है कि सब कुछ सही है कुछ गलत है। अगर वहाँ पर कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे का मिल गया तब जाके फिर फाइनल इंस्पेक्शन होगा, अदरवाइज ओके, इसमें फिर कुछ नहीं होता। अगला हमारा आता है रैंडम एक्सेस स्टोर सिस्टम, दो हमने देख लिया, तीसरा है हमारा रैंडम एक्सेस स्टोर सिस्टम। दिस इज़ अ टिपिकल काइंड ऑफ क्लोज स्टोर सिस्टम इन विच नो मटेरियल हैज़ अ फिक्स लोकेशन। ये एक टिपिकल काइंड का ही क्लोज स्टोर सिस्टम ही माना जाता है, जिसमें कोई वहाँ एक फिक्स लोकेशन होता है, यहाँ भी यहाँ कोई फिक्स लोकेशन नहीं होता। ऑल मटेरियल्स आर स्टोर्ड एट रैंडम लोकेशन थ्रू आउट द स्टोर रूम। सारे ही सारे जो मटेरियल होते हैं वो एक रैंडम स्टोर रूम में रखे जाते हैं। हाउएवर सिमिलर टाइप ऑफ साइज ऑफ स्टोरेज इक्विपमेंट आर ग्रुप टुगेदर। इसमें क्या होता है कि जिस स्टोर का भी उतना, मतलब किसी सामान का अगर अलग अलग सामान भी है बट उसका रैंडमली साइज मैच कर रहे हैं, तो उनको फिर एक जगह पे रख दिया जाता है। व्हेन एन आइटम इंटर द स्टोर्स इट इज़ स्टॉक्ड एट द फर्स्ट अवेलेबल स्टोरेज लोकेशन। जब भी कोई सामान एंटर करता है स्टोर्स में तो वो वहाँ पे स्टॉक में जमा कर दिया जाता है जहाँ पे उसको पहला लोकेशन अवेलेबल हो जाता है, बट फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड व्हेन इट लीव द स्टोरेज लोकेशन बिकम एम्प्टी फॉर एनी अदर आइटम ऑफ द सेम ग्रुप। और जब वहाँ से वो कहीं निकलने जाता है, जैसे कि कहीं रिक्वायरमेंट हुई वहाँ से सामान को निकालना है, तो जब वो निकला और वो जगह आपको एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, तो उसी ग्रुप का कुछ और सामान फिर नेक्स्ट जगह से उस जगह पे पहुंच जाता है। इस तरह से ये साइकिल एक तरह से चलता रहता है, पहले आपका एक सामान यहाँ पे है, यहाँ से आपने एक सामान को बाहर भेजा, तो जो सामान आपका फिर यहाँ अटका पड़ा है वो सामान उठ के इस ग्रुप के इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रैंडम एक्सेस स्टोर सिस्टम था। यूजुअली पेपर वर्क कंट्रोल सिस्टम यूटिलाइजिंग पंच्ड कार्ड डाटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट इज एम्प्लॉयड। ऑन द एंट्री ऑफ एनी पर्टिकुलर आइटम अ पंच्ड कार्ड इज प्रिपेयर्ड विथ स्टोर एड्रेस। इसमें क्या होता है कि जब भी आपका कोई एंट्री होता है पर्टिकुलर आइटम्स का, तो वो एक पंच कार्ड के साथ प्रिपेयर किया जाता है स्टोर के एड्रेस में। रिक्विजिशन आर रन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैचेस द रिक्विजिशन विथ स्टोर मटेरियल रिकॉर्ड विच कंटेन द स्टोर एड्रेस। दोनों जगह पे वहाँ जो आपको पंच्ड कार्ड होता है उस पे आपका सामान का स्टोर एड्रेस होता है, उसको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मैच किया जाता है कि आपका जो मटेरियल रिकॉर्ड है वो स्टोर एड्रेस से मैच करता है कि नहीं। दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वहाँ पे पंच्ड कार्ड में स्टोर एड्रेस ऑलरेडी रहता है, तो उससे फिर वो चेक हो जाता है कि ये सही है नहीं है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज़ दैट इट यूटिलाइज द स्पेस मोर इफिशेंटली देन अ फिक्स लोकेशन। इसका एडवांटेज क्या है ज़्यादा, कि जो जैसा कि आपने क्लोज्ड स्टोर सिस्टम में देखा कि वहाँ एक फिक्स्ड लोकेशन होना ही मस्ट है, तो इसमें क्या है कि फिक्स्ड लोकेशन ना रहते हुए भी मोर इफिशेंटली, मतलब ज़्यादा आसानी से यहाँ काम हो सकता है। उसका क्या है कि एक सामान का आपको एक ही लोकेशन होगा, वहाँ पे कोई दूसरा सामान आप नहीं रख सकते हो। यहाँ क्या है कि अगर आपका ग्रुप सेम है इन द सेंस कि इन साइज और समथिंग
आपको वो सामान वहाँ भी एडजस्ट हो सकता है। तो जैसे ही इस सामान का स्टॉक यहाँ से खाली होता है, वो सामान आप यहाँ लाके रख दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं होता, बट ये मोर एफिशिएंट होता है आपके क्लोज स्टोर सिस्टम से। फर्दर इट प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एकोमोडेटिंग डिफरेंट मटेरियल इन इन्वेंटरी मिक्स विद सम स्टोरेज फैसिलिटीज। दिस टाइप ऑफ स्टोरेज सिस्टम हैज़ गॉट सर्टेन डिसएडवांटेज टू। इस तरह के जैसे कि हर एक चीज़ का दो पहलू होता है, कुछ एडवांटेज भी उसके होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, उसी तरह इसका भी है। इस स्टोरेज के जैसे कि आपने एडवांटेज देखा, इसका फिक्स लोकेशन नहीं है बट वो ज़्यादा फायदेदार है, उसी तरह से इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इट इज़ फिजिबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन एंड रिक्वायर अ कॉस्टली कंट्रोल सिस्टम यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। इसमें क्या है कि खर्चा ज़्यादा है, इस तरह के स्टोर सिस्टम में खर्च ज़्यादा है। ये एक लार्ज स्केल ऑपरेशन के तहत काम होता है, रिक्वायर अ कॉस्टली कंट्रोल सिस्टम। इसमें क्या है कि कॉस्टली कंट्रोल सिस्टम इसको चाहिए, जो कि किस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। उसके तहत इसमें खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है। द प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि आपको जो वो पंच्ड कार्ड होता है उसको आपको संभाल के रखना है, इसमें बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम आगे नहीं बढ़ेगा। इफ़ इट लॉस्ट द आइटम इज़ ऑल्सो लिटरली लॉस्ट फॉर इंडिफिनाइट पीरियड। अगर वो कार्ड लॉस्ट हो जाता है तो एक तरह से जो अगर आपके पास उसका सामान है और कार्ड नहीं है, तो एक तरह से उस सामान को भी लॉस्ट ही माना जाएगा, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं। अगर आपके पास कार्ड नहीं है देन इट इज लॉस्ट। मोर ओवर द फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन विदाउट दिस इज वेरी कंबरसम एंड टाइम कंज्यूमिंग। बी स्टोर रिकॉर्ड सिस्टम। डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट रिकॉर्डिंग सिस्टम फॉर स्टोर इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिजिकल इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। टू रिकॉर्ड आर यूजली केप्ट ऑफ मटेरियल्स एंड अदर गुड्स रिसीव्ड इज सीड ऑफ और ट्रांसफर्ड नेमली और बिन कार्ड एंड इन द स्टोर लेजर। बिन कार्ड्स क्या है? फॉर ईच काइंड ऑफ मटेरियल अ सेपरेट रिकॉर्ड इज केप्ट ऑन बिन कार्ड। हर तरह के मटेरियल के लिए एक सेपरेट रिकॉर्ड रखा जाता है, बिन कार्ड विद सोच डिटेल्स ऑफ क्वान्टिटीज ऑफ ईच टाइप ऑफ मटेरियल, जिसमें आपको हर तरह मतलब उस सामान का क्वान्टिटीज दिखाया जाता है, हर एक तरह के मटेरियल को जो रिसीव्ड हुआ। इशूड एंड हैंड ईच डे, हर दिन। द स्टोर कीपर मेंटेन्स द बिन कार्ड अप टू डेट एंड यूजली इन डुप्लीकेट। जो स्टोर कीपर होते हैं या फिर उसको स्टोर मैनेजर आप कह सकते हो, वो हर दिन अप टू डेट रखते हैं इस बिन कार्ड को, यूजली इन डुप्लीकेट। जो अगर उनके पास वो अपने पास एक खुद का भी जैसे डाटा रखते हैं, जैसे आप कहीं बैंक वैंक में जाते हो तो आपने अपने तरह से एक फॉर्म भरा, तो उसका एक एंट्री आधा साइड का फाड़ के बैंक वाले रख लेते हैं और आधा आपको दे देते हैं, उसी तरह का एक आपके पास रह गया और उसके पास रह गया। यहाँ भी डुप्लीकेट का मीनिंग वही है, एक स्टोर कीपर के पास रह गया और एक जो सामने से रिसीवर है या फिर देने वाला है उसके पास रह गया, ठीक है। वन कार्ड इज़ एट अटैच टू ईच बिन ऑन सेल्फ कंटेनिंग द मटेरियल एंड रिकॉर्ड मीन्स द स्टोर कीपर फॉर रेफरेंस। एक कार्ड जो होता है वो सामान के साथ लग जाता है और एक कार्ड उसका डुप्लीकेट जो है स्टोर कीपर के साथ रह जाता है रिकॉर्ड्स के लिए। सम फॉर्म्स यूज द कार्डेक्स सिस्टम इन विच कार्डेक्स इज प्रिपेयर्ड एंड अपडेटेड। बिन कार्ड आर ऑल्सो यूज एज चेक ऑन द स्टॉक लेजर अकाउंट्स इन मटेरियल अकाउंटिंग डिवीजन। ये बिन कार्ड जो है वो यूज़ किया जाता है आपको स्टॉक लेजर को चेक करने के लिए अकाउंट्स मटेरियल अकाउंटिंग डिवीजन में। स्टोर्स लेजर क्या है? इट इज़ आइडेंटिकल विथ बिन कार्ड एक्सेप्ट दैट हियर मनी वैल्यूज आर शोन। स्टोर लेजर में क्या है कि वो आइडेंटिकल है बिन कार्ड की तरह ही, मतलब बिन कार्ड की जैसा ही के जैसा ही है, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको मनी वैल्यू शो होता है स्टोर्स लेजर में। द स्टोर लेजर में भी मेंटेन बाय सेपरेट मटेरियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। स्टोर लेजर मेंटेन किया जाता है एक अलग ही डिपार्टमेंट में, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। द एंट्रीज रिगार्डिंग द मटेरियल ऑर्डर्ड रिसीव्ड एंड इशूड आर मेड फ्रॉम द परचेज ऑर्डर रिसीविंग सेक्शन रिपोर्ट एंड द मटेरियल रिक्विजिशन रेस्पेक्टिवली।
इसमें जो इसके तहत जो स्टोर लेजर के तहत जो एंट्रीज होती हैं वो होता है क्या आपने सामान ऑर्डर किया, क्या रिसीव किया, इशू हुआ उसको लेके कुछ परचेज ऑर्डर या रिसीविंग सेशन के तहत अगर कोई इशू हुआ फिर वो उसको देखा जाता है। आगे हमारा है इशू सिस्टम, जो कि हमारा पिछले टॉपिक में स्टोरेज सिस्टम में चल रहा था उसमें अगला है हमारा इशू सिस्टम। देन इशू सिस्टम, दिस इज़ द लास्ट स्टेज इन द स्टोर सिस्टम, ये स्टोर सिस्टम का लास्ट स्टेज है। इशू कैन बी ऑफ टू काइंड, दो तरह के इशू हो सकते हैं, इशू ऑफ कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट एंड इशू ऑफ आउटसाइड सप्लाई फॉर प्रोसेसिंग। दो तरह के इशू में आपको कौन से देखने को मिले, एक है आपका स्टोरिंग कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट, इशू टू कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट, अगला है इशू टू आउटसाइड सप्लाई फॉर प्रोसेसिंग। इन द बोथ केसेस देर आर सर्टेन कॉमन रिक्वायरमेंट्स, द कंट्रोल ऑफ द इशू इज रेगुलेटेड बाई प्रोडक्शन प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द प्रोग्राम एंड द बिल ऑफ मटेरियल्स वर्क ऑर्डर एंड प्रिपेयर्ड लिस्टिंग ऑफ ईच मटेरियल क्वान्टिटी टू बी इशूड एंड द करस्पॉन्डिंग क्वान्टिटी ऑफ द कम्पोनेंट टू बी मैनुफैक्चर्ड। इसमें कुछ खास समझाने जैसा था नहीं, आपको पढ़ के डायरेक्टली समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। एनी मटेरियल रिक्वायरमेंट ओवर एंड एवर इंडिकेटेड इन द वर्क ऑर्डर क्वान्टिटी मीन एक्सेसिव वेस्टेज एंड स्कॉर्पिंग। यूजअली द जूनियर स्टोर्स पर्सनल आर नॉट ऑथराइज टू इशू बियॉन्ड द वर्क ऑर्डर क्वान्टिटी विच ब्रिंग्स एन इन बिल्ड कंट्रोल। Normally, two copies of work order or material requisition from prepared by the foreman and concerned manager, which are forwarded by the storekeeper to material accountant division for pricing and entry in store ledger. One copy is retained there and the other is returned to the originating department, where it is used to basis for a charge to appropriate production order. Ad hoc material requisition are sometimes made periodically. Consolidated statement and such item must be prepared when issue are made on outside supplies. Control have to be more formal and adequate enough to take care of payment and claims. तो जो भी था आपका issue system वो कुछ खास नहीं था, उसमें दो तरह के issue होते हैं और वो किस किस तरह से शॉर्ट किया जाता है, बस वो चीज़ था, वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इसी के अंदर वो है स्टोर लोकेशन एंड लेआउट। आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है इसके अंदर। तो इसमें दो चीज़ आप हमें देखना है इस टॉपिक में, एक तो आपको दिख रहा है स्टोर लोकेशन एंड लगा हुआ है बीच में, तो सेकेंडली हमें देखना होगा लेआउट। तो पहले हम बात करेंगे स्टोर लोकेशन की, आखिर स्टोर लोकेशन क्या है, क्योंकि हमने पिछले क्लोज ओपन सिस्टम में भी देखा एक जगह फिक्स लोकेशन होता है, एक जगह फिक्स लोकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और एक जगह तो वो उसी की तरह है, मतलब लोकेशन है बट फिक्स्ड नहीं है। तो तीन तरह के हमने बात किए थे, अब देखते हैं कि स्टोर लोकेशन क्या है। ठीक है, द लोकेशन ऑफ स्टोर इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन विच इफ वंस टेकन कैनॉट बी इजली अनडन। अगर आपको लोकेशन एक बार स्टोर्स का स्ट्रेटेजिक डिसीजन है वो अगर एक बार तय हो जाता है तो उसे फिर, मतलब अगर आपने तय कर लिया कि हाँ भाई इस तरह के इस स्टोर को ये लोकेशन हमने फिक्स किया यहाँ पे इसको रखना है, तो अगर आपने एक बार ये तय कर लिया तो फिर आप उसको अनडन कहने का मतलब आप उसको फिर वहाँ करना ही होगा, उसको अगर आप चेंज करना चाहो तो वो ईजिली नहीं होता है। इट वुड बी एक्सट्रीमली कॉस्टली टू चेंज द स्टोरेज लोकेशन एट अ लेटर स्टेज। हाँ, और वो ईजिली क्यों नहीं होता है वो आपको इस लाइन में पता चल गया, क्योंकि उसको चेंज करने में फिर खर्च आएगा। अगर मान लीजिए आपने एक डेस्टिनेशन से एक अगले डेस्टिनेशन पे आपने यहाँ सामान पहुँचा दिया, ठीक है, यहाँ से आपने सामान को उठाया, यहाँ पे आके अनलोड करके यहाँ आपने स्टोर कर दिया, अब आपने कुछ दिन बाद सोचा कि भाई ये जगह ठीक नहीं है मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए फिर तो आपको कुछ खर्च लगेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगी, लेबर चार्ज लगेगा। तो इसके कारण एक बार जब लोकेशन का फैसला हो जाता है, एक बार जब आपका लोकेशन का हो जाता है क्लियर, तो आप उसको दोबारा चेंज करने में आप मतलब बहुत आसानी के साथ उसको चेंज नहीं कर सकते हो। इट शुड बी केयरफुली डिसाइडेड एंड प्लान्ड सो एज इंश्योर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो इसलिए स्टोर लोकेशन को तय करने के पहले आपको बहुत कुछ मतलब सोचना पड़ता है, बहुत कुछ डिसाइड करना पड़ता है, केयरफुली प्लान्ड करना पड़ता है कि हाँ ये सही है नहीं है, क्योंकि उसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। द ऑप्टिमल लोकेशन ऑफ स्टोर मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन
हैंडलिंग एंड अदर कॉस्ट रिलेटेड टू स्टोर ऑपरेशन, एट द सेम टाइम प्रोवाइड द नीडेड प्रोटेक्शन फॉर स्टोर आइटम। बात वही है कि आपको एक इस तरह का लोकेशन चूज़ करना होता है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन भी मिनिमम लगे, स्टोर्स का प्रोटेक्शन भी रहे और हैंडलिंग भी आसान हो जाए, सारा कुछ एक टाइम पे हो जाए। तो इन सब का आपको खास ध्यान रख के प्लान करके ये काम करना पड़ता है। द मॉडल ऑफ फैसिलिटीज प्लानिंग कैन बी अप्लाई टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल स्टोरेज लोकेशन इन लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन। स्टोर लोकेशन डिपेंड अपॉन द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द आइटम्स। ये तो वही बात है कि आपका जो स्टोर लोकेशन है वो डिपेंड करता है आपके सामान के नेचर पे और आपके पास कितना सामान है। ठीक है, दो बात है, एक तो आपके पास किस तरह का सामान है, ठीक है, और वो जो सामान है वो कितना है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। सिंपल आप कह सकते हो क्वालिटी ऑफ द स्टोर एंड क्वांटिटी टू बी स्टोर्ड एंड द फ्रीक्वेंसी विथ विच आइटम आर रिसीव्ड एंड सीव्ड का मतलब आप कह सकते हो ट्रांसफर्ड, इसका मतलब वो स्वीड और ट्रांसफर टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर गवर्निंग द लोकेशन आर द नंबर एंड लोकेशन ऑफ एंड यूजर, वेराइटी एंड वॉल्यूम ऑफ गुड टू बी हैंडल्ड, लोकेशन ऑफ द सेंट्रल रिसीविंग स्टेशन एंड एक्सेसिबिलिटी टू रेल और रोड लिंक्स। ठीक है, इन जनरल स्टोर आर लोकेटेड क्लोज टू द पॉइंट ऑफ यूज। सबसे जरूरी बात जो की है वही है, इन जनरल जो होता है स्टोर्स आपका जो लोकेशन होता है स्टोर लोकेशन का, उसको वहीं पे रखा जाता है, प्लान किया जाता है जहाँ पे उसका यूज़ होने वाला है। जैसा कि आपने अभी ऑटोमोबाइल का एग्जांपल देखा था पीछे, यहाँ मान लो कोई वर्कशॉप है, यहाँ पे काम चल रहा है, तो आप क्या चाहोगे कि इसके नज़दीक से नज़दीक पे इसका स्टोरेज हो, जो भी यहाँ पे पार्ट्स यूज़ आते हैं काम लगते हैं, आप चाहोगे कि इसके कितने नज़दीकी एरिया में वो स्टोर आपका अवेलेबल रहे। आप ये नहीं चाहोगे कि इसका स्टोर जो है यहाँ हो तो इसको अगर काम पड़े तो आने में ही 2 दिन लग जाए तो फिर काम रुक जाएगा। ठीक है, तो मतलब वही है, इन जनरल स्टोर आर लोकेटेड क्लोज टू द पॉइंट ऑफ यूज़। रॉ मटेरियल स्टोर इज यूजुअली लोकेटेड नियर द फर्स्ट ऑपरेशन इन केस ऑफ लाइन लेआउट। इन प्रोसेस स्टोर नियर टू सब्सिक्वेंट ऑपरेशन एंड फिनिश्ड गुड स्टोर नियर द शिपिंग एरिया। ये आपका साइकिल चलता है। जो आपका रॉ मटेरियल होता है वो फर्स्ट केस में यहाँ अवेलेबल होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको शिपमेंट करना है, तो इसके बाद स्टोर चेंज होता है, पहले रॉ मटेरियल का स्टोर यहाँ होगा, ठीक, आगे जो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन होगा उसका स्टोर यहाँ होगा, फाइनली जो फिनिश्ड गुड होंगे यहाँ से जो काम अगर फिनिश्ड हो जाता है तो इसका स्टोर यहाँ पे हो जाएगा, जो वो शिपमेंट के लिए तैयार होगा तो शिपमेंट के एरिया में वहाँ स्टोर हो जाएगा। द टूल्स एंड सप्लाइज स्टोर इज लोकेटेड सेंट्रली टू द पर्सनल एंड इक्विपमेंट सर्व्ड। इन बिग प्लांट्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू लोकेट द स्टोर विच इज़ कन्वीनियंट टू ऑल डिपार्टमेंट्स एंड द सेम टाइम नियर टू द रिसीविंग सेक्शन। बहुत बड़े बड़े प्लांट्स में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर एक प्लांट्स के बगल में ही स्टोर अवेलेबल हो जाए, कहीं कहीं दूर भी पड़ जाता है। रिसीविंग सेक्शन में जहाँ भी आपको रिसीविंग की ज़रूरत है उस सामान के, वहाँ पे अवेलेबल रहे हमेशा, ये जरूरी नहीं है। तो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स में ये दिक्कतें आती हैं। यूजुअली अ सेंट्रल स्टोर इज लोकेटेड नियर द रिसीविंग सेक्शन एंड द इशू आर डिसेंट्रलाइज्ड बाय सेटिंग अप सब स्टोर्स कन्वीनिएंटली लोकेटेड टू सर्वर यूजर डिपार्टमेंट्स। द लोकेशन एंड बिल्डिंग अप ऑफ स्टोर्स शुड बी डन विथ अ फ्यूचरिस्टिक आउटलुक। द प्रोविजन फॉर द न्यू डिपार्टमेंट्स एंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम टू बी स्टोर्ड शुड बी केप्ट। तो वो थी बात आपकी स्टोर लोकेशन की, उसमें बहुत खास नहीं है, आपने पढ़ा तो आपको समझ में आ गया। 2-3 बातें थी उसमें, एक तो स्टोर लोकेशन आपको बड़े प्लान के साथ चूज करना है कि हमें कहाँ उस स्टोर को लोकेट करना है। दूसरा, प्लान में आपका ये जरूर शामिल होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ यूज के हिसाब से आपका लोकेशन होना चाहिए कि जहाँ पे हमें उस सामान का ज़रूरत है उसी के आसपास में हम उस लोकेशन को तय करें। तीसरी बात, अगर आपने एक बार लोकेशन को फिक्स कर दिया तो उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें फिर आपका खर्चा बढ़ जाता है। तो इस तरह से एक बात आ गई कि बड़े बड़े प्लांट्स में नज़दीकी लोकेशन नहीं मिल पाते हैं, तो कुछ 3-4 प्लांट्स को मिला के एक सेंट्रल स्टोर बनाया जाता है जिसमें आपको अवेलेबल फिर करा दिया जाता है, जो बाकी सबसिक्वेंट स्टोर होते हैं वहाँ से सामान यहाँ जाते हैं और यहाँ से सामान फिर आपको बाकी प्लांट्स में कर दिए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो लोकेशन में यही था, खास 3-4 बात थी जो आपको ध्यान में रखना है। अब लेआउट देखते हैं।
वट इज़ ले आउट? द इफिशियंट ले आउट एंड डिज़ाइन ऑफ ए स्टोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट फंक्शनिंग विच इज़ लिंक टू द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट. ले आउट इन द सेंस कि जैसे आप ले आउट आप जानते होंगे, लैपटॉप में अगर आप मोबाइल में कुछ काम कर रहे हो, प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो उसका एक ले आउट होता है. पेज का ले आउट का हो चाहे किसी भी तरह का, वो ले आउट होता है. वही चीज़ यहाँ भी है. इफिशियंट ले आउट एंड डिज़ाइन जो स्टोर्स का होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है. किस व्यू से? फंक्शनिंग विच इज़ लिंक टू द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट. अ गुड ले आउट मस्ट bring the point of origin, store room and point of use in adjacent and proper reference of best material flow. The layout planning of store is very important of the following reason. ये क्यों important है वो आगे हम reason देखने वाले हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. उससे क्या होता है कि अगर आपके पास अच्छा सा layout है, उसमें easy receipt handling and इशू ऑफ मटेरियल्स, ये आपको अच्छे से पता चल जाता है. मेंटेनिंग कंटिन्यूटी इन फ्लो ऑफ मटेरियल, इट शुड हैव मिनिमम मूवमेंट. अगर आपके पास एक बढ़िया सा लेआउट है, आप कंटिन्यूटी फ्लो ऑफ मटेरियल्स का बहुत बढ़िया से कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब बनाए रख सकते हो. इट शुड हैव मिनिमम मूवमेंट, मिनिमम मूवमेंट के साथ कर सकते हो. द स्पेस फॉर स्टोरिंग एंड हैंडलिंग द मटेरियल्स शुड बी फुल्ली यूटिलाइज्ड. प्रॉपर प्लेस आर सेलेक्टेड फॉर स्टोरिंग प्रॉपर टाइप ऑफ मटेरियल. बहुत ही अच्छा प्लेस चुना जाता है, सेलेक्ट किया जाता है प्रॉपर टाइप्स ऑफ मटेरियल के लिए, मतलब हर एक मटेरियल्स के लिए अलग अलग स्टोरेज. लोकेशन शुड बी सच दैट मिनिमम टाइम एंड लेबर विल बी नेसेसरी टू लोकेट एंड गेट द मटेरियल्स. लोकेशन शुड बी सच, मतलब लोकेशन ऐसा होना चाहिए कि टाइम भी कम से कम लगे और लेबर भी कम से कम लगे. नेसेसरी टू लोकेट एंड गेट द मटेरियल, मतलब अगर आपको ज़रूरी है लोकेशन पे, तो लोकेशन ऐसा होना चाहिए कि टाइम भी कम लगे, मतलब लोकेशन पे पहुंचने में या लोकेशन से सामान को कहीं पहुंचाने में, लेबर्स भी मतलब कम लगें. रीअरेंजमेंट ऑफ स्टोरेज कैन बी डन ईजिली इफ़ नेसेसरी. अगर आपको स्टोरेज का रीअरेंजमेंट करना है तो आप आसानी से कर पाओ इफ़ नीडेड. अनलोडिंग प्लेटफॉर्म और फॉर क्विक रिसीविंग एंड डिस्पोजल मस्ट बी बिल्ट एट सुटेबल हाइट. अनलोडिंग प्लेटफॉर्म क्विक रिसीविंग के लिए आपको बढ़िया होता है. उसमें लेआउट एक तरह से आप कहो कि एक तरह का आपको स्टेज तैयार किया जाता है, जैसे कि प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, जिससे कि सारे वर्क अपने अपने जगह पर अच्छे अच्छे से हो जाए. इसमें क्या होता है कि अनलोडिंग प्लेटफॉर्म आपको होना चाहिए क्योंकि क्विक रिसीविंग हो पाए. एंड डिस्पोजल मस्ट बी बिल्ट एट सुटेबल हाइट. जो डिस्पोजल होता है, डिस्पोजल इन द सेंस कि बड़े बड़े प्लांट में एक डिस्पोजल प्लांट होता है, जो भी ख़राब सामान है या कुछ डिफेक्टिव है वो इसमें डिस्पोज किया जाता है, वापस से समथिंग रिसाइकिल होता है. तो वो एक सुटेबल हाइट पे होना चाहिए. लेआउट शुड बी इकोनॉमिक एंड इफिशियंट, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए. द मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड लेआउट मस्ट बी सच दैट इट एलिमिनेट वेस्टेज, इरोजन, रस्टिंग एंड डिट्रिजेशन. फॉर दैट प्रॉपर प्रिजर्वेशन, सेफ्टी एंड इंस्पेक्शन प्रोसेस मस्ट बी यूज टू प्रिवेंट ऑल दिस थिंग्स. लेआउट ऐसा होना चाहिए कि वहाँ आपको वेस्टेज ना हो, इरोजन ना हो, रस्टिंग ना हो, मतलब जंग वंग ये सब ना लगे. और इन सब के सेफ्टी के लिए इंस्पेक्शन प्रोसेस रखा जाता है, प्रिवेंट ऑल दिस थिंग्स, मतलब इन सब को बचाव के लिए. लुकिंग टू द अबव कंसिडरेशन नेसेसरी, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लेआउट आर सजेस्टेड. आपको जो है इन सब चीज़ को बचाव में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कुछ लेआउट्स जो है वो सजेस्ट किए गए हैं. तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये ज़रूर आ सकता है कि इन सब चीज़ को मतलब बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए किस तरह के लेआउट सजेस्ट किए जाते हैं. कुछ लेआउट्स होंगे, उनमें से आपको एक ऑप्शन में होगा. तो जैसा कि ये देखो, तीन तरह के हैं, स्ट्रेट थ्रू फ्लो, स्ट्रेट लाइन फ्लो, लेआउट ऑफ वर्क एलिमेंट. ठीक है, इन तीनों को आप देख लेते हैं. क्या है स्ट्रेट थ्रो फ्लो? क्या है? इट इज़ अ सिंपल लेआउट. ये एक आसान सा लेआउट है. द आइटम इंटर्स फ्रॉम वन डोर. इसमें एक दरवाजे से सामान अंदर आता है. दे आर प्लेस्ड इन स्ट्रेट रो. एक लंबे सी धारी में इस सामान को रख दिया जाता है. दे विल बी पिक्ड फ्रॉम रो एंड मूव इन टू वन डायरेक्शन अलॉन्ग द स्टोर बे. वो रो से पिक किया जाता है, उठाया जाता है और एक डायरेक्शन में वो स्टोर्स को रखा जाता है. डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोर विल बी अरेंज इन एवरी रो एंड अराउंड दैट सफिशियंट मूवमेंट स्टेज विल बी प्रोवाइडेड.
अलग अलग तरह के सामान को अलग अलग रो में रखा जाता है और उसके बीच में जगह छोड़ा जाता है ताकि वो मूवमेंट का स्पेस मिल सके। द लार्ज वेयर हाउसेज फॉर द एग्रीकल्चर मटेरियल विल हैव दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, द सेंट्रलाइज स्टोर एनर्जी विल हैव दिस लेआउट। ये एक तरह का लेआउट है आपका, देख लो, यहाँ से आपने इन किया, ठीक है, यहाँ आपका स्टोर है, ये बीच में आपका रास्ता छोड़ दिया गया है, जैसा कि कहा गया, ये एक आपका रो हो गया, ठीक, कलर चेंज कर दूँ मैं एक बार, फिर ये आपका एक रो हो गया और ये बीच में आपका जो है ये रास्ता हो गया, ठीक है। और ये सब यहाँ देखो, इस रो में आपको अलग सामान, इस रो में आपको अलग सामान, इस रो में अलग सामान, स्पेस रखने का मतलब यही था कि यहाँ से यहाँ जाने आने का पूरा स्पेस आपको अवेलेबल है और फाइनली आप यहाँ से आउट हो सकते हो, ठीक। तो ये एक तरह का सिंपल लेआउट है। स्ट्रेट लाइन फ्लो क्या है? स्ट्रेट लाइन फ्लो, इन दिस लेआउट द स्टोर आर अरेंज अकॉर्डिंग टू आइटम इनकमिंग एंड आउट गोइंग फ्रॉम ईच ऑफ द स्टोरिंग प्लेस। ये इस लेआउट में स्टोर इस तरह से अरेंज किया जाता है जैसे उसके आधार पे कि कितना सामान आ रहा है और कितना सामान जा रहा है, मतलब कौन सा सामान कितना आ रहा है कितना जा रहा है, मतलब कुछ सामान की ज़रूरतें आपको ज़्यादा पड़ती हैं, कुछ सामान की कम पड़ती हैं। सामान तो दोनों अवेलेबल होते हैं स्टोर पे, इस सामान की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसकी कम है, तो उस बेसिस पे आपको वहाँ पे किया जाता है। इच स्टोरिंग प्लेस दे आर अरेंज इन सच ए वे टू स्ट्रेट लाइन फ्लो ऑफ मटेरियल इज डन, द अरेंजमेंट इज शोन बिलो, द स्मॉल आइटम्स आर नॉर्मली स्टोर इन सच ए स्टोर। इस तरह के स्टोर में अधिकतर छोटे सामान रखे जाते हैं, जैसे देख लो, ये आपका इन हो गया, ये आपका आउट हो गया, यहाँ से आपने आए आए आए, ये बिन्स है, ये रैक्स है, ये पैलेट्स है, जो भी आपको ज़रूरत है आपको यहाँ भी स्पेस काफ़ी अवेलेबल है, यहाँ से चारों तरफ अवेलेबल होता है स्पेस जिससे कि आप मूवमेंट कर सको और यहाँ से आप निकल सकते हो। तो ये था नेक्स्ट लेआउट ऑफ वर्क एलिमेंट। इसमें क्या है, द स्टोर्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू वर्क एलिमेंट ग्रुपिंग टुगेदर फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क, दीज टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स आर फ्लेक्सिबल इनफ टू अरेंज फॉर स्लो मूविंग, मीडियम मूविंग एंड फास्ट मूविंग आइटम, द लेआउट कैन बी चेंज्ड ईजिली। इसमें एक बात है कि आपको लेआउट आसानी से चेंज हो सकता है, ये ग्रुप टुगेदर किया जाता है उस तरह के सामान को जिसका मूवमेंट ज़्यादा होता है, फ्लेक्सिबल इनफ टू अरेंज द स्लो मूविंग, मीडियम मूविंग एंड फास्ट मूविंग आइटम्स। हर तरह के सामान होते हैं, यहाँ देख लो आप, ये ऑफिस है, ये मेंटेनेंस इशू, फास्ट मूविंग आइटम्स, मीडियम मूविंग आइटम्स, यहाँ पे स्लो मूविंग आइटम, ये तीन तरह के आइटम आपको तीन जगह पे दिख रहे हैं। अगेन यहाँ देखो, फास्ट मूविंग, मीडियम, स्लो, फास्ट, मीडियम, स्लो, ऑफिस, मेंटेनेंस, मतलब इन तीनों में आपको दिखाया गया है कि है तो तीनों सामान आपको फास्ट, मीडियम और स्लो, बट लेआउट चेंज किया जा सकता है। यहाँ आपको ऑफिस मेंटेनेंस इशू यहाँ पे है, यहाँ आपका ऑफिस मेंटेनेंस एंड इशू यहाँ पे है और यहाँ पे नीचे में है, इसके लेआउट को आसानी से चेंज किया जा सकता है, ठीक है। स्टोर एड्रेस सिस्टम, व्हाट इज स्टोर एड्रेस सिस्टम, द स्टोरेज एंड रिट्राइवल आर मैच्ड प्रोसेस, द क्विक लोकेशन ऑफ एनी आइटम इज स्टोर इज रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज द रिट्राइवल डिलेज। मतलब एक स्टोरेज सिस्टम, मतलब स्टोर एड्रेस सिस्टम ये है कि क्विक लोकेशन ऑफ एनी आइटम इज स्टोर रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज द रिट्राइवल डिलेज, मतलब डिले के लिए आपको ये इसकी ज़रूरत पड़ती है कि डिले ना हो, मतलब कहीं देरी ना हो। इट इज़ पॉसिबल ओनली वैन देर इज़ ए डेफिनाइट प्लेस फॉर कीपिंग ईच आइटम एंड द आइटम इज किप्ट देयर, मोर ओवर द एड्रेस ऑफ दैट प्लेस इज कन्वीनियंटली डिफाइंड। अ वैरायटी ऑफ स्टोर एड्रेस सिस्टम आर यूज टू एड्रेस स्टोर लोकेशन, अ टिपिकल एड्रेस सिस्टम इज शोन इन फिगर 6, आगे एक फिगर आएगी उसमें आपको पता चलेगा। इन द सिस्टम द स्टोर रूम इज डिवाइडेड इन टू ब्लॉक्स। इसमें क्या है, इस सिस्टम में आपको स्टोर रूम अलग छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड होता है, ईच ब्लॉक आइडेंटिफाई द लेटरल ब्लॉक लेटर एंड लॉन्गिट्यूडिनल ब्लॉक लेटर, एवरी रो ऑफ सेल्स विद इन ईच ब्लॉक इज गिवन नंबर, ईच रो इज डिवाइडेड वर्टिकली इंटू कॉलम्स एंड हॉरिजेंटली इंटू सेल्स, पर्टिकुलर बिन इज आइडेंटिफाइड बाय द 6-डिजिट अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस कोड एज फॉलोज। एक एड्रेस सिस्टम आपको दिखाया जाएगा आगे फिगर में, फर्स्ट डिजिट जो होता है वो लेटरल ब्लॉक होता है, सेकेंड डिजिट लॉन्गिट्यूडल ब्लॉक, नेक्स्ट 2 डिजिट रो, फिफ्थ कॉलम एंड सिक्स्थ सेल्फ।
ब्लॉक एंड रो शोड बी क्लियरली आइडेंटिफाई विद द पेंटेड साइन, कॉलम्स एंड सेल्स आर काउंटेड फ्रॉम लोअर लेफ्ट कॉर्नर. Every item carried thus has a specific store location address in the form of code, which may be written in the inventory catalog or a separate store location index may be prepared. The location code should not be confused with the material identification code. देखो ये जो आपका स्टोर एड्रेस है, स्टोर एड्रेस जो ये भी हम पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम के तौर पे उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है. मतलब सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कहने का मतलब, जो ये जो एक ये जो टॉपिक है सिर्फ ये, इसके पहले जितना भी हमने पढ़ा वो एग्ज़ाम्स के व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये उतना नहीं है, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया. ये एक फिगर है, इसको आप ध्यान से देख लोगे, इधर से लेटरल ब्लॉक है, इधर से रियल ट्रक अनलोडिंग है, लॉन्गिट्यूडनल ब्लॉक, यहाँ पर बिग नंबर जैसे BK10C3 नज़र आ रहा है. हर एक वर्ड का अलग अलग अपना मतलब होता है, जैसे कि आप पता लगा सकते हो. ये कॉलम है, ये शेल्फ है. कंट्रोल ऑफ प्लीवरेज, प्लीवरेज का मीनिंग क्या है समझ लो. इन जनरल प्लीवरेज रेफर टू द थेफ्ट और मिसलीडिंग ऑफ गुड्स स्पेयर बाय द एम्प्लॉय और द पर्सन रिलेटेड टू अनरिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन टेकिंग अवे द गुड विदाउट परमिशन. इसमें क्या होगा, प्लीवरेज मतलब रेफर हो क्या, मिसलीडिंग मतलब आप अगर आप वहाँ पे कुछ काम कर रहे हो तो कोई आदमी आपको या वहीं का कोई एम्प्लॉय आपको मिसलीड करके कोई सामान ले जाता है बिना बताए, बिना परमिशन के कोई सामान वो ले जाता है, एक तरह से उसको चोरी करना कहेंगे. और नॉलेज ऑफ ऑफिशियल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जिम्मेवारी फिर आप पे आ जाएगी. ठीक है, आपको मिसलीड करके वो तो सामान ले गया, बट उसकी पूरी जिम्मेदारी तो आप पे आएगी. कंट्रोल ऑफ प्रिविलेज में प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग, इसमें मेन बात होता है कंट्रोल ऑफ प्रिविलेज, मतलब आप उस चीज़ को कैसे रोक सकते हो, कोई आपको मिसलीड ना करे या फिर चोरी ना हो, इस तरह के आपको ऐसे रोक सकते हो. उसका सबसे पहला जरिया तो है प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग, इसमें आप कोई भी मतलब छूट नहीं दे सकते हो, लापरवाही नहीं कर सकते हो, आपको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होगा. सेकेंड ऑन द स्पॉट इंस्पेक्शन, जब भी इन दिस वे द स्टोर मैनेजर मेक्स सरप्राइज इंस्पेक्शन ऑफ द स्टोर टू मेक श्योर दैट ऑल आर इन राइट प्लेस, इफ यू फाइंड एनी एडिक्वेट द लेवल ऑफ स्टॉक ई कैन बी इंक्वायरी ट्राइड देन. इसमें क्या कि ऑन द स्पॉट इंस्पेक्शन कहने का मतलब कि आप सरप्राइज विजिट करो अपने स्टोर्स पे कि वहाँ सब कुछ सही है या फिर कुछ इस तरह के गलत काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और अगर कुछ आपको उस तरह का गलत मिलता है तो आप ऑन स्पॉट एक्शन ले सकते हो. थर्ड वन, एडॉप्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हेयर द ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू डिफेक्ट द प्रिविलेज फ्रॉड्स, फॉर एग्जाम्पल इट क्लोज सर्किट कैमरा विथ कैप्चर ऑल एक्टिविटीज हैपनिंग. इसको आप मतलब कैमरे के हेल्प से भी कर सकते हो, टेक्नोलॉजी के का मतलब यही है कि आप वहाँ पे कैमरा लगा सकते हो, आप उसको ईजिली इंस्पेक्ट कर सकते हो. अगला, कंट्रोल ऑफ एरर्स, हेयर द मैनेजमेंट शुड हैव मेक ऑल एफर्ट शुड बी मिनिमाइज द लेवल ऑफ एरर्स विथ रेस्पेक्टिव इनपुट एंड आउटपुट स्टॉक स्टोरेज प्रिजर्वेशन. ठीक है, प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए आपका. प्रॉपर स्टोरेज से क्या मतलब है, स्टोरेज ऑफ ऑल आइटम शुड बी इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर सो दैट इन केस ऑफ लॉस ऑफ गुड्स शुड लॉस्ट शुड केम अंडर द नोटिस ऑफ द स्टोर मैनेजर इमीडिएटली. मतलब कहीं पे ऐसे जगह पे आपको इस तरह से सामान को रखना है कि सब कुछ आपके आंखों के नज़र के सामने रहे, कुछ भी चीज़ वहाँ से मतलब हटे तो आपको सीधे वो ध्यान में आ जाए कि अरे यहाँ ये चीज़ यहाँ से गायब है. क्लोज असेसमेंट ऑफ पर्सनल, हेयर द पर्सनल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी असेट एंड क्रॉस चेक टू द एंड ऑफ द डे पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट एनरोल्ड इन प्रीवियस. आपको क्रॉस चेक करते रहना है पर डे, मतलब सुबह गए आपने देखा कि इतना है, फिर आपके पास वो रिकॉर्ड होगा, उसमें आप चेक करोगे कितना सामान गया, फिर शाम को निकलते वक्त आपको एक बार चेक कर लेना है कि ठीक है भाई उतना सामान है उसके हिसाब से है या नहीं है. प्रॉपर सिक्योरिटी होना चाहिए, सिक्योरिटी होगा तो उससे क्या है कि आपको अरेंजमेंट में कोई लूप होल्स इन द सेंस कि वहाँ पे कुछ नहीं है या गलत है वो आपको दिख जाएगा.
सिस्टमेटिक लेआउट एंड लोकेशन, सबसे ज़रूरी बात तो ये आठवां पॉइंट ही है। सबसे पास आपके पास एक अच्छा सा लेआउट होना चाहिए और लोकेशन। दिस मीन्स दैट द बिल्डिंग एंड द लोकेशन इन विच द आइटम आर स्टोर्ड शुड बी इन सिक्योर्ड एनवायरनमेंट। जो आपने लोकेशन चूज़ किया है वो एक अच्छे से इन्वायरमेंट में, सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में हो, कहीं बहुत अलग अकेला जगह पे ना हो जहाँ के आपको खतरा हो सकता है। तो फाइनली ये जो हमारा स्टोर मैनेजमेंट का टॉपिक था ये यहाँ पे आके एंड होता है। तो लगभग ये हमारा 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो हो गया। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको स्टोर मैनेजमेंट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप एग्ज़ाम में सॉल्व ज़रूर कर लोगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो भी आपको मैं शो कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोडिफिकेशन को लेके। कोडिफिकेशन क्या होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक आते हैं, जैसा कि कुछ आप देख लो, इतने तरह के डिसएडवांटेज कोडिफिकेशन सिस्टम एंड समथिंग, बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे आपको। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस पर। आज जो आपका बात हुआ वो था स्टोर मैनेजमेंट को लेके। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।